नमस्कार जोहार, क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जानेंगे पूरे संथाल परगना से। औषधि पार्क के रूप में विकसित होगा कुरवा पहाड़। अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी मिल गई तो आने वाले दिनों में शहर के एकमात्र कुरवा पहाड़ पार्क को विकसित कर औषधि पार्क बना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी बनेगी। शनिवार को भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने लॉकडाउन की अवधि में बंद पड़े पार्क पर निरीक्षण किया। उन्होंने चोटी पर जाकर पूरे पार्क का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि एक समय यह पार्क हर किसी के लिए पर्यटन का केंद्र था। जमीन पर दखल दिलाने गई पुलिस टीम पर पथराव। खबर दुमका के सरियाहार से है। अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय से जारी आदेश पर शनिवार को पीटरागा में 5 एकड़ जमीन पर दखल दिलाने गई पुलिस की टीम पर नाराज ग्रामीणों ने पत्थर बरसाए। सीमांकन के लिए की गई जेसीबी का शीशा तोड़ दिया गया। ग्रामीणों के इरादे भांपने के बाद पुलिस टीम को दखल दिलाए बिना ही बैरंग लौटना पड़ा। यौन शोषण में मुखिया का पति गिरफ्तार। दुमका के मसलिया की एक युवती को शादी का झांसा देकर 4 साल से यौन शोषण करने वाले मसानजोर पंचायत की मुखिया के पति नलिन किशकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं आने की वजह से युवती का मंगलवार को न्यायालय में बयान दर्ज किया जाएगा। खबर गोड्डा से, लोक अदालत में 4 मामलों का निष्पादन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को न्यायालय परिसर में वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामले से संबंधित 4 वादों का निष्पादन किया गया तथा 9,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया, जबकि मोटर यान दुर्घटना बाद के तहत 5 दवाकर्ताओं के बीच कुल 33,19,950 रुपये चेक वितरित किए गए। जामतारा विधायक इरफान अंसारी का नसीहत। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे 2024 से पहले झारखंड छोड़े। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को नसीहत देते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड छोड़ दे। कहा कि वह व्यक्ति बिहार का रहने वाला है परंतु बिहार में मुखिया चुनाव तक नहीं जीत सकता, लेकिन झारखंड वासियों का दिल देखे कि कैसे उन्हें झारखंड में सांसद बना दिया। योजनाओं को लटकाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालेगा प्रशासन। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में लगी एजेंसियों को लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्व में ही अल्टीमेट दिए गए थे। इसके बाद भी कुछ विभागों में अहम योजनाएं लंबित पड़ी हुई है। जिला प्रशासन लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने को लेकर गंभीर है। समरनालय सभागार में तकनीकी विभागों के साथ डिपॉजिट हेड की समीक्षा के दौरान उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि अब लंबित योजनाओं के कार्य एजेंसियों को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर देवघर से, शीघ्र ही कार्यशील होगा देवघर में बनकर तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देवघर में स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के जल्द ही कार्यशील होने की संभावना जगी है। इस दिशा में एसटीपीआई के अपर निदेशक झारखंड सिद्धार्थ राय तेजी से कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में देवघर आए सिद्धार्थ राय ने फेडरेशन चैम्बर के संताल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक मल्लिक को जसीडी स्थित एसटीपीआई में हुए कार्यगति का अवलोकन कराया। 23 विद्यालयों में शौचालय का नहीं हो रहा है उपयोग। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में शौचालय का अहम योगदान है, लेकिन विद्या के मंदिरों में स्थिति उसके ठीक उलट है। शौचालय तो है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शौचालय में ताला लटका है, तो कहीं साफ सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह अनुपयोगी बना हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर माधुरी कुमारी ने जिले में 23 ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया है जहाँ शौचालय क्रियाशील नहीं है। आरओबी निर्माण से बढ़ेगी देवघर के विकास की गति। आरओबी निर्माण कार्य की समीक्षा उपायुक्त मंजूनाथ भचंद्री ने शनिवार को की। कहा कि इससे जिला के विकास में गति आएगी। शनिवार को समरनालय में आयोजित समीक्षा में एसी चंद्रभूषण प्रसाद सिंह ने जानकारी दी कि देवघर में 3 आरओबी का निर्माण हो रहा है। शहरी क्षेत्र के सत्संग नगर, दूसरा जसीडीह शंकरपुर सड़क मार्ग पर और तीसरा मधुपुर में निर्माणाधीन है। उपायुक्त ने बाधाओं को दूर कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। खबर जामताड़ा से, जिला में न तो यातायात पुलिस है और न ही नियमित
डीटीओ। सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अनेक नियम बनाए, लेकिन इस नियम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा बाधक साबित हो रहा है संसाधनों का इच्छा शक्ति की नसीतन। सड़कों पर सुरक्षित यात्रा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यात्रियों के पास एक ही विकल्प है कि अपने सूझबूझ और जुगाड़ू तंत्र के भरोसे अपनी सुरक्षा करें। गरीबों में कंबल वितरण के लिए 55 लाख की मंजूरी। जामताड़ा जिले में मौसम के बदलने से ठंड बढ़ने लगी है। नवंबर के अंतिम पखवाड़े में अब ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार से एकाएक बादल व सर्द हवाओं से चलते शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है। सर्दी ने घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। ठंड के प्रकोप से गरीब तबके के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। इनके पास ठंड से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। सरकारी कंबल भी उन तक नहीं पहुंची है, जबकि अन्य लोग बचाव से घर में बाहर गर्म कपड़ों से लिपट कर निकल रहे हैं। वेयर हाउस में रखे बीयू की स्कैनिंग की गई। शनिवार को उपायुक्त फैज हक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि के मौजूदगी में वेयर हाउस में रखे बीयू का स्कैनिंग किया गया। उपायुक्त द्वारा जानकारी दिया गया कि इसी आईएल मैक एम 385 बीयू देवघर जिला को उपलब्ध कराया जाना है। उक्त सभी ईवीएम 9 जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन 2019 के उपरांत वेयर हाउस समानालय में सुरक्षित रखा गया था। भाग नहीं जाए जुआरी, इसलिए साइकिल से निकले थाना प्रभारी। साइकिल पर सवार साधारण सा दिखने वाले इस व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। भेष बदल कर शहर के गलियों में घूमने वाला यह कोई और नहीं बल्कि जिले के मीजाम थाने का थानेदार सुमन कुमार है। इसे देखकर लग रहा है कि मानो साइकिल पर सवार होकर कोई साधारण व्यक्ति बाजार सामान खरीदने के लिए जा रहा है, लेकिन नहीं। इसके तहत इसे निकलने के पीछे का कारण शहर में जुआ के अड्डों पर छापेमारी करना है। खबर पाकुड़ से। पाकुर और चतरा में डीएफओ के पदस्थापन के लिए जनहित याचिका दायर। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अनिल कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पाकुर और चतरा में डीएफओ के पदस्थापन की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पाकुर और चतरा में डीएफओ के पदापन नहीं होने की वजह से वानकी का काम करने वाले मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज 36 जगहों पर होगी कोविड 19 जांच। पाकुर जिले में आज कोविड 19 के जांच के विशेष अभियान चलाया गया है। अभियान के दौरान अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शनिवार को प्रखंड के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में कही। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर डीडीसी अनमोल कुमार सिंह, सीएस डॉक्टर रामदेव पासवान भी मौजूद थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।